हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? सचिन थापन बोल रहा हूँ जी। हाँ सचिन बिश्नोई। जी, आपके लॉरियल बिश्नोई से क्या संबंध है? लॉरेंस बिश्नोई मेरे आदर्श हैं और मेरे मामा हैं। अच्छा, क्लास में वो मेरे मामा हैं। आप भी फजिलका के रहने वाले हैं? हाँ जी, आप भी फजिलका के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम एक ही गांव के हैं। अच्छा, सिद्धू मूसेवाले की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है, क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उसे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू खेड़ा, जितने भी, हाँ जी, हाँ जी, और जितने भी कौशल के शूटर थे जो पकड़े गए थे, उन्होंने भी इसका नाम लिया था और कहा था कि इसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठहरने के लिए जगह दी है, और दिल्ली पुलिस ने मीडिया के सामने भी इसका नाम रखा था, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इंतजार भी किया था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने इसको मारा है। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि आप लारियंस तमाम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं और आप ये बोलते हैं कि हमारे आदर्श शहीद हैं, लेकिन इतने कुख्यात गैंगस्टरों के आदर्श शहीद कैसे हो सकते हैं? और किसी को इतनी बेरहमी से मारना चाहिए क्या? सचिन बिश्नोई, आप बोलते हैं कि आपके और लारियन बिश्नोई के जो आदर्श हैं वो शहीद हैं, लेकिन इतने कुख्यात गैंगस्टरों के आदर्श शहीद कैसे हो सकते हैं? देखिए, हम बजरंगबली के भक्त हैं जी, ठीक है, और शहीद हमारे हमारे नहीं, पूरे भारत के आदर्श हैं वो, ठीक है, वो हमारे नहीं, पूरे भारत के आदर्श हैं। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए बहुत कुर्बानियां थी, बहुत यातनाएं सही थी, इसलिए वो हमारे आदर्श और कुछ नहीं है। यह बात सचिन बिश्नोई, ये बताइए, किसी को इतनी बेरहमी से मारा जाता है? 30 गोलियां उनकी गाड़ी पे लगी, थार पे 6 गोली उनके शरीर में लगी। देखो मेरी बात सुनो, एक बात तो ये फैलाई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई अपना कायम वर्चस्व कायम रखने के लिए ये सब कर रहा है। ये सही बात नहीं है। हमारी किसी से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ अपने भाइयों का बदला ले रहे हैं। हमें इसके लिए कोई गम नहीं है, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, ठीक है। ये बताइए, और रही नजायज और बेरहमी से मारने की बात, तो एक बार आप ढंग से पता कीजिए कि उसका किसके साथ क्या संबंध था और वो कौन कौन सी गतिविधियों में शामिल था, एक बार आप थोड़ा ढंग से सर्च कीजिए, ठीक है। इस बात सचिन बिश्नोई, आप मीडिया में ये बात भी है, आपने दिल्ली में पुलिस ने मीडिया में रखी थी, चाहे तक वो आपको भी बताओगी बात। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जो कनाडा में मौजूद है गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है आप लोगों का, आपके उससे क्या रिश्ते हैं? वो हमारे बड़े भाई हैं, और जो उनके भाई का मर्डर हुआ था इसमें भी उसका हाथ था, उसी तुमसेवाड़ा का हाथ था, और जो और भी कई लोगों के हाथ थे उनको हमने मरवा दिया है, और जो कुछ और बचे हुए हैं उनको भी बहुत जल्दी हम मार देंगे। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि ये जो जो हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, ये हथियार कहाँ से मुहैया कराए थे आपको? किन लोगों ने मुहैया कराए थे AK-47? इतने बड़े बड़े सफोस्टिकेटेड वेपन जो हैं, वो कहाँ से आए थे ये अत्याधुनिक हथियार आप लोगों के पास? नहीं, हम उनका नाम नहीं बताने वाले, ठीक है, पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास इससे भी बड़े हथियार हैं, ठीक है, जो लोगों ने हॉलीवुड फिल्मों में हथियार देखे हैं वो हमारे पास हैं, ठीक है। और ये कह रहे थे ना कि ये कुछ लोग सुनने में आए कि धमकियां दे रहे हैं, तो धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने 2 दिन में मनकीर दल को मारने का कहा था, इसलिए मैंने आज 4 दिन बाद मीडिया से बात की है, दो दिन ऊपर निकल गए, ठीक है, कहने से कुछ नहीं होता, और ये कुछ भी करने वाले नहीं है, इनका लेवल नहीं है हमारे सामने कुछ भी, जो भी ये इससे बातें फैला रहे हैं ये भौंकने वाले कुत्ते हैं, ठीक है जी, ओके, ठीक है। ये बात आप सबको बता दीजिए कि जो ये बातें फैला रहे हैं ना,
वो हमसे आके लड़ लें, ठीक है, हमें बताएं कि कहाँ पे लड़ना है, हम बता देंगे कहाँ, हम अब जल्दी हम जल्दी बहुत जल्दी इनको मारने वाले हैं, ठीक है। नहीं तो आप कौन टारगेट पे आपके, आप कह रहे हैं बदला लेना था हमको आपने सिद्धू मूसेवाले से, आप कौन टारगेट पे आपके? ये टारगेट बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको, ठीक है, ये जो बातें कर रहे हैं ना कुछ, इन कुत्तों में से अभी एक मरेगा।